बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एन टी एस ट्रिस्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, प्रगीर अपना लेज ग्रेड 5 यानी क्लास 5 यूनिट नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 है, एज अ होल पार्ट नंबर 20 है। जनरल साइंस के एमसीक्यूज हम हल कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं 26 नंबर एमसीक्यू से। इस यूनिट में टोटल 38 क्वेश्चंस थे, आज इसमें 25 पार्ट 1 में मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आज बाकी जितने क्वेश्चंस है उसी को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से देखिए दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन, दिस वन, पाकिस्तान हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पाक सेट IRN। इस क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चंस मिलेंगे। एक तो पाकिस्तान ने जब अपना पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था, उसका नाम ये। दूसरा कि पाकिस्तान ने सबसे पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया था, उसका क्या नाम था, वगैरह वगैरह। तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, 2011 में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द होल अर्थ कैन बी कवर्ड बाय जस्ट 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फॉर ग्लोबल ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम्स। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन को, 28 नंबर क्वेश्चन, खाली जगह है रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ओवर द बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, दे प्रोवाइड वेदर इंफॉर्मेशन एंड आल्सो मैप ओजोन लेयर। तो वो कौन से हैं, पोलर सैटेलाइट्स हैं। पोलर सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ओवर द बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड दे प्रोवाइड वेदर इंफॉर्मेशन एंड आल्सो मैप ओजोन लेवल। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29, द स्टडी ऑफ द अर्थ फ्रॉम ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स इज नोन एज व्हाट, दे आर नोन एज रिमोट सेंसिंग। ऑप्शन बी। एंड क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन को देखे, ओवर खाली जगह है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च सिंस 1957, पहला सैटेलाइट इस वक्त। तो इसके साथ लिखा है अकॉर्डिंग टू न्यू कोर्स के मुताबिक 1957 से अभी तक 200 सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुके हैं। ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 31, जीपीएस स्टैंड्स पर, ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा अहम है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन, नेविगेशन सैटेलाइट्स पिन पॉइंट्स द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ 24 सैटेलाइट्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन भी बहुत अहम है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, जीपीएस सैटेलाइट एस्टेब्लिश्ड एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर ऑर्बिटिंग द अर्थ इन सेट्स ऑफ ऑर्बिट्स। तो खाली जगह में क्या आता है, 6। ऑप्शन बी 6। और क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35, द फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस वॉज, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ऑप्शन डी, योरी गागारिन।
38 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन द फर्स्ट मैन नील आर्मस्ट्रांग टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, दो दफा आया, 20 जुलाई 1969। 37 नंबर क्वेश्चन, काउंटलेस शाइनिंग लाइट सीन एट नाइट ऑन द सरफेस आर, दे आर क्या, दे आर डिफरेंट हेवनली बॉडीज, ऑप्शन सी। और इस यूनिट का आखिरी क्वेश्चन जो है दोस्तों, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ जीव स्टेशनरी सेटेलाइट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट वन डे में, ऑप्शन ए। तो ये तो दोस्तों आज का पार्ट, लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।